दुनिया के वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि कोविड-19 का वायरस इंसानों तक किस जीव के जरिए पहुंचा है। इस बीच भारत के वैज्ञानिकों ने देश के 4 राज्यों में चमगादड़ों के नमूने में बैट कोरोना वायरस BTCoV होने की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी के सॉर्स COV2 से मिलता जुलता हो सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के रमन गंगाखेड़कर ने बताया कि चीन में हुए शोध से यह मालूम हुआ है कि यह वायरस चमगादड़ों से आया है। ये जो कोरोना वायरस होता है ये बैट्स के अंदर भी पाया जाता है। चाइना में जो भी रिसर्च हुआ उसमें एक चीज़ का पता चला कि जो वायरस हम लोगों में आया है वो या तो बैट्स में का वायरस ऐसे म्यूटेशंस डेवलप हुए जिससे वो इंसान के अंदर भी जाने की क्षमता रखता होगा और बीमारी करता होगा, उस किस्म का विषाणु बन गया और आया, नहीं तो दूसरा एक कहा जाता है कि ये बैट से पैंगोलिन करके एक मैमल है इंसान के वैसे, उसके अंदर आया होगा और वहाँ से वो इंसान में आया होगा। लेकिन ये सवाल शायद इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हमने बैट्स के इसमें जो इमर्जिंग इन्फेक्शस डिसीजेस होते हैं उनके कोई विषाणु पाए जाते हैं क्या, इसका सर्वेलेंस शुरू किया था। उसमें हमको दिखा कि दो किस्म के बैट्स जो होते हैं उनमें कोरोना वायरस दिखाई दिया, लेकिन वो बैट का कोरोना वायरस था, वो इंसानों में आने के काबिलियत का नहीं था। बैट से इंसान में आने की घटना एक सादे तौर पे समझाने के लिए बोलता हूँ, 1000 साल में एक आध बार होती होगी। जब कोई वायरस स्पीसीज चेंज करता है तो बहुत रेयर इवेंट होती है और उस किस्म से वो इंसानों में आता है। दस राज्यों में चमगादड़ की 2 प्रजातियों के सैंपल लेकर कोरोना की PCR जांच की गई थी। इनमें 6 राज्यों में सैंपल निगेटिव आए हैं। इनमें कर्नाटक, चंडीगढ़, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना में चमगादड़ में बैट कोरोना वायरस नहीं मिला।